हाँ बनके तैयार है, आप देख सकते हैं गोभी आलू की सब्जी और पराठे, बथुआ का पराठे बने हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे। फ्रेंड्स, आज दिन है सोमवार का और घड़ी बज रहे हैं, आप देख, और घड़ी बज रहे हैं 11:15। जा रही हूँ अपने मम्मी के साथ हॉस्पिटल और उन्हें कुछ शॉपिंग भी करनी है, साड़ी वगैरह लेनी है उनको, तो वो भी मैं उन्हें दिलवाऊंगी। और मैं, मेरी सिस्टर और मेरी मम्मी, हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल। हॉस्पिटल जाना इसलिए पड़ रहा है फ्रेंड्स क्योंकि मेरी मम्मी का कुछ दिन पहले पैर का ऑपरेशन हुआ था। मैं बताया भी था आपको कि उनके पैर में रॉड पड़ी हुई है, तो उनका पेन जो है थोड़ा ज़्यादा उनको हो रहा है, तो इसी वजह से हमको डॉक्टर दिखाना ज़रूरी है। एक बार राय डॉक्टर की ले ली जाए, अदर डॉक्टर की, कि ऑपरेशन ठीक हुआ है या नहीं हुआ है। तो वो गई हैं, जा रही हैं छोटे वाले भाई के साथ कबीर चौरा अस्पताल, वो वहाँ दिखाएंगी और हम और मेरी सिस्टर ऑटो से उनको वहाँ बाद में पिक कर लेंगे, वो दिखा लेंगे, फिर हम लोग अपना शॉपिंग के लिए निकल जाएंगे। तो मुझे तो कुछ नहीं लेना है, देखूंगी कुछ अगर अच्छा लग गया तो, वरना मुझे भी किसी चीज़ की ज़रूरत है। साड़ी तो मुझे बहुत ज़्यादा, मेरे पास अभी हो चुकी है, मेरी एनिवर्सरी भी थी 7 नवंबर को, वह साड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं, साड़ी मुझे लेनी नहीं है। हाँ सूट एकाक आधा दिखा तो ले लूँगी, सूट सोचती हूँ लेने के लिए। हस्बैंड जी ने कहा तुम्हें जो समझाएगा ले लेना, लेकिन मुझे अगर पसंद आया तो मैं लूँगी, वरना फिर बाद में देखा जाएगा। और मेरे घर का सारा काम हो चुका है, आप देखिए मेरा घर पूरा सेटम सेट है। ये देखिए, ये इनका रखना है अभी ऊपर वाले अलमारी में। और ये देखिए क्या हुआ है, ये बोर्ड की हालत देखिए, ये वाला पंखा मेरा चल नहीं रहा, इसका रेगुलेटर ख़राब हो गया है, जिसकी वजह से हस्बैंड जी ने इसको रात में निकाला और इसको सेट नहीं कर पाए। ये इसका ये रेगुलेटर जल गया है, ख़राब हो गया, पता नहीं क्या हुआ है, पंखा चल ही नहीं रहा। रात में इतना ज़्यादा मच्छर लग रहा था, कॉयल से कुछ असर नहीं हो रहा था, कोई बड़ी फ़र्क पड़ ही नहीं रहा था। और हम लोगों ने किया क्या, देखिए अब चेयर रखी हुई है और ऊपर रूम से ये पंखा हम लोग ले आए, ये पंखा ले आए लगा के, फिर हम लोग रात में सो पाए। बहुत मुश्किल हुई थी, प्रोग्राम चल रहा था, एक पिच था बोर्ड का जो निकल ही नहीं पा रहा था, बहुत ही मुझे मुश्किल हो रही थी। हस्बैंड जी कोशिश कर रहे इसको निकाल लें स्क्रू ड्राइवर से, पर वो निकल ही नहीं रहा था, तो फिर क्या हुआ छोड़ दिया। अब मिस्त्री को बुलाया गया, कल मिस्त्री बुला, कल हम आएंगे, तो फिलहाल हम लोग को आज रात यहीं बितानी पड़ेगी। आप ये देखिए, मैंने ये कान में अपने वो कनौटी कहते हैं, ये मैं लगा लिया है इस तरह से, ये निकल गया है, इसको पहन लेते हैं और ये ऐसे सारे पहनूंगी। तो ये निकल गया अपने से, मेरा कान का छेद बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, इस कान का छेद मुझे ये लगाने से काफ़ी सपोर्ट हो गया है। और मैं किचन दिखाती हूँ आपको अपना, किचन में देखिए मेरा एकदम सेटम सेट है, पूरा मेरा काम हो गया है, सब कुछ मेरा काम ओके है। ये लंच रखा है अंशिका का, वो स्कूल से आएगी अपना खा लेगी। और मेरा सारा काम ये देखिए, मैंने बर्तन भी सारे धो लिए हैं, इतने सारे बर्तन हो जाते हैं, जिनको मैंने धो लिया है, वॉश कर लिया है। और ये थोड़े से बर्तन अभी मैंने आदित्य ने लंच किया तो उसका बर्तन ही निकला हुआ है, बाकी सारा काम ओके है, सब एकदम डन है। और तो फिर शॉपिंग में चलते हैं, हॉस्पिटल चलते हैं और मिलते हैं। अंशिका तो अभी कोचिंग ही गई हुई है, सॉरी स्कूल गई हुई है, मुझसे ना क्या कोचिंग निकलता है, तो अंशिका अभी स्कूल गई हुई है, वो तो आज उसका प्री बोर्ड एग्ज़ाम भी शुरू हो गया है, तो 12:30 तक वो स्कूल अपने स्कूल से आएगी। तो मैं चाबी आंटी जी को दे के जाऊँगी अपना, और सारे बच्चे लोग भी दुकान जा चुके हैं, आदित्य और आदित्य के पापा तो सुबह ही जा चुके थे 8:30 के करीब, बस हर्ष था वो भी 9:30 बजे तक सबका टिफिन लेके जा चुका है साइकिल से। बस अभी मैं भी अब निकलती हूँ और आती हूँ आपसे बाद में। तो फ्रेंड्स चलते हैं, सारे रूम की लाइटें बंद कर देते हैं। और आप देखिए मेरा घर एकदम सेट है, सारे लोग जा चुके हैं, बस अकेली मैं ही रह गई थी। और यहाँ भी मैं ऊपर का दरवाजा बंद कर देती हूँ, ब्लैंकेट डाला हुआ है धूप लगने के लिए। तो बस अब निकलते हैं, घर से बाहर चलते हैं। और मैं सिस्टर को अपनी आवाज़ दे दिया था, सारी
दरवाजे बंद कर देते हैं क्योंकि बिल्ली आती कभी कभार भोली भटकी आ जाती है, तो रिस्क क्या लेना, और निकलते हैं हम घर से बाहर। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये वहाँ लैंडमार्क है, यहाँ सब माता मंदिर है, ये हमारा घर पड़ाव भोजपुर में है, तो यही लैंडमार्क है हमारे घर का, मसाला फैक्ट्री। और हम दोनों बहनें ऑटो में बैठ चुके हैं, मम्मी ने कहा कि तुम मुझे वहीं पिक कर लेना कबीर चौराहा अस्पताल, तो हमने कहा नहीं आप चलते फिरते थोड़ा दूर आगे आ जाइए, हनुमान जी का मंदिर मैदागिन चौराहे के पास है, तो आप वहाँ आइए। और देखिए ये मैदागिन तक हम पहुँच गए हैं, ये डाकघर है मैदागिन का, जी हाँ ये डाकघर है मैदागिन का, और हम दोनों ऑटो से वहाँ पहुँच गए, मम्मी को मैंने पिक किया, और उसके बाद मैं फिर अपनी दुकान पे आई, मैंने कुछ फ्रूट्स लिए थे तो मैंने बच्चों को दे देती, बच्चे मेरे खा लेते हैं, और मम्मी मेरे फर्स्ट टाइम मेरी दुकान पे आई हुई हैं, मेरे शॉप पे आई हैं, मम्मी हैं, मेरी सिस्टर भी हैं साथ में आई हुई हैं। तो हस्बैंड जी कुछ बात कर रहे थे मम्मी से मेरे, कि मम्मी अभी तो कुछ उतना कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, धीरे धीरे अपना आशीर्वाद दीजिए ताकि दुकान चलने लगी हम लोगों की। और ये देखिए आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये है रेशम कटरा, जी हाँ यहाँ पे दुकान मेरे भाइयों की है। तो यहाँ साड़ियाँ देखी हमने, भैया ने कहा कैमरा आप ऑफ़ कर दीजिए, यहाँ पे अलाउ नहीं है वीडियो चलाना, तो तुरंत ही मैंने ऑफ़ कर दिया, मना कर रहे थे, तो सिस्टर ने मैंने और सिस्टर ने ली और एक साड़ी मैंने ली, तो यहाँ देखी तुरंत इन्होंने ऑफ़ करवा दिया, मैंने कहा ठीक है भैया जैसी आपकी मर्ज़ी, पता नहीं क्यों उन्होंने बंद करवा दिया। और यहाँ पहुँच गए हैं गोदुलिया की तरफ चल रहे हैं हम, और हम जा रहे हैं कुछ मार्केटिंग करने थी हम लोगों को, कुछ मतलब एक्सेसरीज आइटम चाहिए था, कुछ श्रृंगार का आइटम, तो उसको लेने के लिए हम पहुँच गए हैं गोदुलिया, मेन मार्केट हमारा है बनारस का, गोदुलिया चौराहा आप जानते ही होंगे अगर आप यहाँ के निवासी हैं तो। तो फ्रेंड जी देखिए ये गोदुलिया का गोदुलिया है, और फिर उसके बाद हम लोगों ने अपना जो भी आइटम था कॉस्मेटिक लिया, और फिर इसके बाद हम लोग आ गए भोजनालय, ये अन्नपूर्णा भोजनालय है, यहाँ पे आपको 18 घंटे तक निःशुल्क खाना भंडार चलता ही रहता है दिनों रात। और देखिए यहाँ बाहर के टूरिस्ट बहुत ही ज़्यादा आते हैं, काफ़ी मात्रा में यहाँ के टूरिस्ट आते हैं बाहर की, और इनको फ्री कह सकते हैं भंडार चलता ही रहता है। और देखिए कितने अच्छे से बैठा के सबको यहाँ पर प्रसाद खिलाया जा रहा है, कभी कभार जब भी हम भी आते हैं तो हम भी कुछ दान करने के बाद ही हम यहाँ पर खाते हैं, क्योंकि प्रसाद है और यहाँ का स्वाद इतना अच्छा लगता है हम लोगों को कि मन ही नहीं मानता। ये देखिए मेरी सिस्टर है, मेरी मम्मी है, फिर हम लोग यहाँ से निकल गए, फिर हम लोगों ने कुछ और भी आइटम लिया, और उसके बाद देखिए यहाँ माला मंडी आई है मम्मी मेरी, ये सबसे बड़ी माला मंडी है चौक की, यहाँ पे आपको होल सेल रेट में माला मिल जाएगी, तो यहाँ से मम्मी ने मेरे माला ली अपने भगवान जी के लिए। मम्मी मेरी मार्केट आए माला ना ले बहुत ही मुश्किल है, वो माला ऑफ रोड प्रसाद ज़रूर लेती हैं भगवान जी के लिए, अपने कान्हा जी के लिए उनका बड़ा ख्याल रहता है कि नहीं रुक जाओ दो मिनट रुको, उनके पैर में इतनी बड़ी प्रॉब्लम है फिर भी वो अपना पूजा पाठ धर्म कर्म कुछ नहीं छोड़ती हैं, वो लगी रहती हैं। और यहाँ देखिए मैं सबको दिखा रही थी आप लोगों को कि ये दुकान देख लीजिए आप लोग पहचानिए, ये माला मंडी है। और देखिए यहाँ पे चलते चलते फिर हम लोग आ गए हैं काशी के सबसे बड़े मंदिर यानी कि काशी विश्वनाथ टेम्पल, ये देखिए काफ़ी भीड़ थी यहाँ पर, मम्मी ने कहा मैंने अली मैंने दर्शन कर लिया है, तुम लोगों को दर्शन करें तो कर सकती हो, लेकिन काफ़ी लेट हो गया था, और मेरा मन यही था कि जब भी दर्शन करने के लिए मैं यहाँ पर आऊँ तो अपने हस्बैंड जी के साथ ही आऊँ, तो मैंने कहा नहीं मम्मी मैं दर्शन अकेले नहीं करूँगी, देखिए कितना अच्छा बन गया है, ये हमारे मोदी जी को कोटि कोटि धन्यवाद कर सकते हैं जिनकी वजह से इतना बढ़िया ये मंदिर बन चुका है, इतना बड़ा और इतना सुंदर, आवागमन को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, भारी मात्रा में टूरिस्ट आते हैं। और देखिए यहाँ से हम ये स्टूल ले रहे हैं, डॉक्टर साहब ने बोला कि मम्मी को मैं थोड़ा ऊँचाई पर बैठी है आप इसलिए कमर में दर्द हो रहा है आपको आपके, तो इसके बाद हमने स्टूल लिया और फिर देखिए हम ऑटो में बैठ गए हैं और अपने घर के रवाना हो गए हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, गुड नाइट।